मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 9th में संस्कृत विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर 5 अध्याय 5 का सूक्ति मोक्ति का अर्थात सूक्ति रूपी मोती। जैसे कि पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उस क्लास में हमने बताया था कि आपकी जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में अनेक संस्कृत ग्रंथों से कई ऐसे सूक्तियां श्लोक आपके पाठ्यक्रम में दिए हैं जो बहुत ही नीति से युक्त, वित्तता से युक्त बहुत ही अच्छे वो श्लोक हैं। कल जब हमारी क्लास हुई थी तो उस क्लास में हमने बताया था कि किस प्रकार से संस्कृत साहित्य में अलग अलग ग्रंथों से लेकर के आपके पाठ्यक्रम में श्लोक इत्यादि जो है वो दिए गए हैं। उनमें से कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो आपके कोर्स में श्लोकों के आधार पर दिए गए हैं, जो उनकी ग्रंथों में से कुछ ग्रंथ ऐसे हैं संस्कृत के जिनमें से कई ऐसे नित्य श्लोक आपके इस अध्याय में दिए हैं। मनुस्मृति, विदुर नीति, चाणक्य नीति, भामिनी विलास, सुभाषित रत्न भंडार ग्रह, मृच कटिकम, हितोपदेश इत्यादि कई ऐसे ग्रंथ हैं जिनके द्वारा आपको नीति से युक्त मित्रता के प्रभाव के बारे में आदि ऐसे श्लोक हैं जिनके बारे में आपको बताया गया। पिछली क्लास में हमने उसका सारांश और इस अध्याय का फर्स्ट जो श्लोक था वित्तम यत्नेन संरक्षेत् वित्तमेति याति च अक्षिणो शीलो विदधतः हतो हतः, इस श्लोक का हमने अध्ययन किया था। उसके बाद किसी कारणवश उस क्लास को वहीं बीच में रोकना पड़ा और अब उसके आगे का जो अंश है उसका हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपके जो पाठ है सूक्ति मोक्ति का, इसमें बताया गया है कि यह पाठ नैतिक शिक्षा के रूप में प्रेरणादायक है। पाठ के अंश में इस पाठांश में विविध ग्रंथों से एकत्रित करके कुछ श्लोक लिए गए हैं। अनेक नैतिक शिक्षा और ज्ञान से संबंधित श्लोक भी इसमें लिए गए हैं। इसमें परोपकार का स्वभाव, मित्रता के बारे में और नीति से संबंधित, धर्म से संबंधित, गुणों से संबंधित, श्रेष्ठ प्रशंसा से युक्त सज्जनों की संगति इत्यादि ऐसे कई श्लोकों के बारे में इस पाठ में बताया गया है। कल हमने जब हमारी क्लास थी उस क्लास में हमने पहला जो श्लोक पढ़ा था वित्तम यत्नेन संरक्षेत् वित्तमेति याति च अक्षिणो शीणः शीणो वृत्तसद्धो हतो हतः, ये जो श्लोक था वित्तम यत्नेन संरक्षेत् इसके बारे में मैंने बताया था कि वृत्तम तो चरित्र, चरित्र की परिश्रम पूर्वक हमें रक्षा करनी चाहिए, धन की नहीं। क्योंकि धन तो ऐसी चीज है कि चला जाता है तो वापिस हम उस धन को प्राप्त कर सकते हैं, गया हुआ जो धन है, नष्ट हुआ हुआ धन है उसको तो हम वापिस प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक बार चरित्र चला जाता है तो वापिस वह लौट कर नहीं आता है। क्योंकि बिना चरित्र के मनुष्य मरे हुए के समान बताया गया है, अर्थात किसी व्यक्ति का चरित्र अगर खराब है तो उसके जीवन में जब तक वह जीवित रहता है तब तक उसके जीवन में एक दाग के रूप में वह दिखाई देता है। उसी प्रकार कहा गया है कि हमें चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, धन की नहीं। क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है, एक बार धन अगर आ जाता है चला जाता है फिर हम उसको प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन चरित्र अगर चला जाएगा तो वापिस हमें प्राप्त नहीं होता है। ऐसा मैंने कल जो श्लोक पढ़ाया था उसके बारे में आपको बताया था। अब उसके आगे के जो श्लोक हैं इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो
कल जो श्लोक था उसका वह मनुस्मृति से लिया गया था, अब उसके आगे के जो श्लोक है उनका हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला श्लोक तो मैंने आपको बता दिया था, वित्तम यत्ने संरक्षेत वित्तमेति याति च अक्षिणो शिनो वृतस्तथो गतो वर्तते, अर्थात इसका सारांश मैंने आपको बता दिया है कि गया हुआ धन तो वापस आ जाता है, लेकिन अगर चरित्र चले जाता है तो वो वापस नहीं आता है। इसके बाद हमारा जो दूसरा जो श्लोक दिया गया है वह श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवाढ्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे। ये जो श्लोक लिया गया है ये मिथुन नीति से लिया गया है, यानी कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो पाठ है सुक्ति मोक्ति का सुक्ति रूपी मोती, इस पाठ में कई ग्रंथों से एकत्रित करके नीति से युक्त मिथ्यता से युक्त श्लोकों को आपके इस अध्याय में डाला है, जैसे कि मनुस्मृति, विदुर नीति, चाणक्य नीति, सुभाषित रत्न भंडारकर, वृक्षकटिकम, नीति सत्कम, भामिनी विलास उपदेश इत्यादि, ये सात आठ ग्रंथ है। उन सात आठ ग्रंथों के ये आठ श्लोक आपके इसमें दिए गए हैं। पहले श्लोक का हमने अध्ययन कर लिया था, अब उसके आगे हम चल रहे हैं। श्रूयताम, श्रूयताम यानी सुनो, श्रू धातु है इसके अंदर, कौन सी धातु है, श्रू धातु है और लोट लकार है, तो क्या बनेगा श्रूयताम, श्रूयताम, श्रूयताम धर्म अर्थात धर्म सर्वस्व यानी कि सब धर्म का सब कुछ सुनना चाहिए, धर्म का हमें सब कुछ सुनना चाहिए। श्रुत्वा, अब यहाँ पे श्रुत्वा लिखा हुआ है तो ही श्रु धातु हो गई इसके अंदर और प्रत्यय कौन सा हो गया त्वा, तत्वा प्रत्यय हो गया इसके अंदर, श्रु प्लस तत्वा बराबर क्या होता है श्रुत्वा, श्रुत्वा का क्या हो गया सुनकर के, श्रुत्वा का क्या हो गया सुनकर के, अर्थात जब प्रत्यय आपको पढ़ाए गए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि तत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर या करके अर्थ में आता है, तो उसी प्रकार यहाँ पे श्रु प्लस तत्वा तो क्या होगा इसका अर्थ सुनकर के, तो धर्म का सब कुछ हमें सुनना चाहिए, यानी कि धर्म के अंदर से धर्म का जो धर्म में जो समाया हुआ है, कोई सा भी धर्म आप पढ़ते हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख, कोई सा भी जो धर्म है उस धर्म को जो कुछ भी समाया हुआ है उसमें जो भी बताया गया है उसको श्रुत्वा सुन करके चैव अवाढ्यताम, अब ये लिखा हुआ है चैव अवाढ्यताम, इसका अर्थ क्या होता है सुनकर ही हृदय में धारण करना चाहिए, सुनकर हृदय में धारण करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या होगा चै प्लस एव प्लस अवधार्यता, चै प्लस एव चैव अवधार्यता, ए प्लस ए बराबर क्या हो गया आ चेवा वर्ण वर्धियता, अर्थात चे मतलब और ही मतलब कि अवधारण धारण करना चाहिए, कहाँ धारण करना चाहिए हृदय में धारण करना चाहिए, तो कहा गया है कि धर्म का धर्म में जो भी समाया हुआ है जो भी इसमें ज्ञान की बातें बताई गई हैं उन सभी ज्ञान की बातों को हमें सुनना चाहिए, श्रोता मतलब सुनना चाहिए और सुनकर के जीवन में हृदय में हमें धारण करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे, आत्म मतलब होता है स्वयं, आत्म का तो क्या स्वयं, प्रतिकूलानि यानी कि अपने प्रतिकूल, यानी कि आपके जो प्रतिकूल है उस प्रतिकूल जो आपको अपने प्रतिकूल लगता है वैसा व्यवहार आपको दूसरों के साथ में नहीं करना चाहिए। आत्म मतलब स्वयं, आत्म का होता है स्वयं, प्रतिकूलानि यानी कि प्रतिकूल यानी कि अपने प्रतिकूल जो भी आपको आचरण लगता है
वैसा आचरण परेशान परेशान कर दूसरों परेशान कर तो क्या दूसरों के साथ में नहीं करना चाहिए। अर्थात स्वयं को जो प्रतिकूल लगता है, स्वयं को अच्छा नहीं लगता है, ऐसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ में नहीं करना चाहिए। तो कहा गया है कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव वार्ध्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। अर्थात धर्म में जो भी समाया हुआ है, उस धर्म में जो भी बातें बताई गई हैं, उसको हमें सुनना चाहिए, श्रूयता में सुनना चाहिए, श्रुत्वा सुनकर के ही उसे अपने जीवन में अवधारिता धारण करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। अर्थात स्वयं के प्रतिकूल अगर कोई आचरण दिखाई देता है या स्वयं के प्रतिकूल आचरण होता है, वैसा आचरण हमें दूसरों के सामने नहीं करना चाहिए। ये किसमें लिखा गया है? विदुर नीति में। ये हमारा दूसरा श्लोक है। इसके बाद हम चलते हैं तीसरा श्लोक। तीसरा जो श्लोक है हमारा, ये लिया गया है चाणक्य नीति से। जैसे कि आपको बताया गया था कि इस पाठ में कई ऐसे ग्रंथों से श्लोक लिए गए हैं, उन ग्रंथों का नाम मैंने आपको बताया था। तो यह जो श्लोक लिया गया है तीसरा, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता, चाणक्य नीति से लिया गया है। तो कहा गया है प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय अर्थात जो दूसरों को प्रिय लगे, ऐसे वाक्य प्रदान करने से सर्वे सभी दुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं, जंतु मतलब प्राणी। अर्थात प्रिय वाक्य प्रदान करने से, प्रिय वाक्य बोलने से, प्रिय वाणी बोलने से सभी प्राणी क्या होते हैं? दुष्यन्ति, दुष्यन्ति मतलब प्रसन्न होते हैं। दुष्यन्ति का मतलब प्रसन्न होते हैं। कौन प्रसन्न होते हैं? जंतुवः, जंतु मतलब प्राणी। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, अब यहाँ पे वक्तव्यम लिखा है, तो यहाँ पे वच प्लस तव्यत प्रत्यय हो गया। वच प्लस तव्यत पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? वक्तव्यम। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचनी का दरिद्रता, तो तस्मात् यानी उससे, तदेव वैसे ही वक्तव्य बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता बोलने में कभी भी हमें दरिद्रता अर्थात कंजूसी या गरीबी नहीं दिखानी चाहिए। कहा गया कि प्रिय वाक्य प्रदान करने से ही सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, और उस प्रिय वाणी के बोलने से, और प्रिय वाणी को बोलने में कभी हमें दरिद्रता अर्थात गरीबी नहीं दिखानी चाहिए। ये चाणक्य नीति से किया गया था। इसके बाद हमारा जो श्लोक है, चौथा जो श्लोक है, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, नादन्ति शस्य खलु वाग्भाः, परोपकारः सदा विभूतयः। अर्थात इसमें परोपकार के बारे में बताया गया है कि इस संसार में प्रकृति, जो भी प्रकृति है जिससे हम अच्छी जो भी चीजें प्राप्त करते हैं, तो वो प्रकृति ही, प्रकृति हमेशा परोपकार करती है, इसलिए हमें भी दूसरों के साथ में परोपकार करना चाहिए। किस प्रकार से? पिबन्ति, पिबन्ति यहाँ पे धातु कौन सी हो गई? पा अर्थात पिब धातु हो गई, पिब लट लकार हो गया, प्रथम पुरुष हो गया, और बहुवचन लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। पिबन्ति पिब धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। पिबन्ति पीती है नद्य नदियां, स्वयमेव अपना ही, न अम्भ, न अम्भ का मतलब न प्लस अम्भ, ये का संधि विच्छेद हो गया। कौन सी संधि आएगी इसमें? ए प्लस ए बराबर आ, अर्थात इसमें आगे तीन संधि, देश संधि आगे न प्लस ए बराबर ना, नाम को। अब न का मतलब तो यहाँ पे हो गया नहीं, और अम्ब का मतलब हो गया है जल, तो क्या हो गया इसका निश्चय अर्थ? पिबन्ति नद्यः स्वयमेव ना अम्ब, अर्थात नदियां
स्वयं ही अपना जल नहीं पीती है, नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती है, अर्थात दूसरों के लिए वो दान कर देती है। स्वयं ने खादन्ति फलानि रक्षा, रक्ष अर्थात पेड़ फलानी यानी फलों को न खादन्ति नहीं खाते हैं, स्वयं मतलब स्वयं अर्थात जो भी वृक्ष है वो वृक्ष स्वयं अपने फल को नहीं खाते हैं बल्कि दूसरों को ये ही वो दे देते हैं। तो इस प्रकार से ये दो लाइनों में नदी और वृक्ष इनके परोपकार के बारे में बताया कि नदियां स्वयं अपना जल नहीं पीती है बल्कि दूसरों को लिए वो दे देती है। उसी प्रकार वृक्ष भी अपने फल नहीं खाते हैं और दूसरों के लिए वो दे देते हैं। ना तन्ति सस्य खलु वाणी वाह, अब यहाँ पे ना ना मतलब हो गया नहीं, नै प्लस अदन्ति, नै प्लस अदन्ति तो क्या हो जाएगा नादन्ति, नै प्लस अदन्ति बराबर नादन्ति हो गया। अब इसके अंदर संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी, नै प्लस नै बराबर ना, दीर्घ संधि होगी तो नै मतलब नहीं, अदन्ति मतलब खाते हैं, अदन्ति मतलब खाते हैं, नै अदन्ति नहीं खाते हैं। सस्यम, सस्य का मतलब होता है फसलें, सस्य का मतलब क्या हो गया फसलें, खलु निश्चित निश्चय, वारी वाहा, वारी मतलब जल, वारी का हो गया जल और वाहा का मतलब हो गया लाने वाले। अब जल लाने वाले कौन, बादल, जल लाने वाले कौन होंगे बादल। तो कहा गया है कि बादल फसलों को नहीं खाते हैं, अर्थात जो बादल होते हैं वो अपना जल फसलों के लिए ही दे देते हैं बल्कि वो उन्हें नष्ट नहीं करते हैं। परोपकार है सदा विभूतया, अर्थात जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, वो अपनी संपत्ति दूसरों के लिए ही हमेशा दे देते हैं। अर्थात जो सज्जन व्यक्ति होगा वो अपनी जो संपत्ति है, जो भी सुख संपदा है, संपत्ति है, वो दूसरों के लिए ही दे देते हैं। तो इस श्लोक का नियम क्या हो गया, पिबन्ति नद्य स्वयमेव न अम्बः, स्वयं ने खादन्ति फलानि रक्षा, न दन्ति सस्य खलु वाणी वाहा, परोपकार है सदा विभूतया, अर्थात नदियां स्वयं अपना जल नहीं पीती है बल्कि दूसरों के लिए दे देती है। स्वयं ने खादन्ति फलानि वृक्षा, और वृक्ष अर्थात पेड़ स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं बल्कि दूसरों के लिए वो दे देते हैं। ना दन्ति सस्य खलु वाणी वाहा, और जो जल लाने वाले जो बादल है वो सस्य मतलब फसलों को नहीं नष्ट करते हैं, नहीं खाते हैं। परोपकार है सदा विभूतया, इस प्रकार से जो परोपकारी व्यक्ति होगा, सज्जन व्यक्ति होगा, वह अपनी संपत्ति वो दूसरों के लिए दान में दे देते हैं, अर्थात परोपकार के लिए दान में दे देते हैं। तो ये किसे लिया गया था, सुभाषित रत्न भाण्डार ग्रंथारम जो ग्रंथ है उससे यह लिया गया है। इसके बाद हमारा पांचवा श्लोक है, गुणेष्वेव हि कर्तव्य प्रयत्न पुरुषे सदा, गुण युक्तो दरिद्रो अपि ने ईश्वर गुणे सम समः मृच्छकटिकम्, अर्थात ये जो श्लोक लिया गया है मृच्छकटिकम् जो ग्रंथ है उससे लिया गया है। गुणेषु एव, गुणेष्वेव का संधि हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, गुणेषु प्लस एव, गुणेषु प्लस एव अर्थात इसमें कौन सी संधि हो गई, ज्ञान संधि हो जाएगी, इसमें उनके स्थान पे क्या हो जाएगा व, तो क्या हो जाएगा गुणेषु व, तो गुणों से ही, गुणों में ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुष से सदा, अर्थात तो पुरुषों के द्वारा, पुरुष से यहाँ पे पुरुष शब्द है तृतीय व्यक्ति का बहुवचन है, तो पुरुषों के द्वारा सदा मतलब हमेशा गुणों के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात बताया गया है कि जो पुरुष है उनके द्वारा हमेशा गुणों के लिए ही अपने कार्य को करना चाहिए, गुणों को प्राप्त करने का ही उन्हें प्रयत्न करना चाहिए।
गुण युक्तो दरिद्र अपि ने ईश्वर गुणी समः। गुण युक्तो अर्थात गुणों से युक्त दरिद्र व्यक्ति दरिद्र भी ईश्वर के गुणों को प्राप्त कर लेता है। अर्थात कहा गया कि जो पुरुष है उसके द्वारा हमेशा गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। गुणों से युक्त दरिद्र होते हुए भी ईश्वर के जो गुण है उनके समान वह व्यक्ति माना जाता है। अर्थात जो गुणी व्यक्ति होगा वह ईश्वर के समान माना जाता है, क्योंकि उसने प्रयत्न पूर्वक अपने गुणों को प्राप्त किया है। तो गुणों से युक्त होने के बाद अगर वह दरिद्र है अर्थात वह गरीब है फिर भी वह ईश्वर के गुणों के समान बताया गया है। वृक्षकटिकम से ही लिया गया था। अगला जो हमारा श्लोक है, आरंभ गुरुवी शयनी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्थ विना छाया विव मित्री फल सजनाना। अर्थात ये जो श्लोक लिया गया है नीति सत्तम से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? नीति सत्तम से श्लोक लिया गया है। और इस श्लोक में मित्रता के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि मित्रता पूर्वान्ह अर्थात कि दोपहर से पहले का जो समय होता है उसके समान और दोपहर के बाद के समय के समान बताए गए हैं। और इसमें ये भी बताया गया है कि दुष्ट व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति की मित्रता किस प्रकार होती है, दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में बताया गया है। और यह श्लोक नीति सत्तम जो ग्रंथ है उससे लिया गया है। आरंभ गुरुवी, आरंभ मतलब प्रारंभ में, शुरू में गुरुवी, गुरुवी का मतलब होती है बड़ी, गुरुवी का मतलब होता है बड़ी। शयनी क्रमेण और धीरे धीरे कम होना, धीरे धीरे कम होना। लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, शुरू में लघवी पुरा मतलब पहले, शुरू में तो छोटी और बाद में कैसी हो गई, बड़ी बड़ी हो जाती है। जिस प्रकार व्यक्ति की छाया दोपहर से पहले शुरू में तो बड़ी होती है और धीरे धीरे छोटी होती जाती है, उसी प्रकार दोपहर के बाद की जो छाया होती है शुरू में छोटी होती है और बाद में बड़ी होती जा रही है। तो इस प्रकार से बताया गया है कि दिन के पूर्वाहन और परार्ध से होकर से अलग होते हुए भी मित्रता दुष्ट और सज्जन व्यक्ति की होती है। तो कहा गया कि दुष्ट जो व्यक्ति होता है, खलम खलम मतलब दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति की छाया शुरू में तो बड़ी होगी, अर्थात तो ऐसा व्यक्ति शुरू में तो आपसे बहुत मित्रता करेगा, बहुत आपके साथ में घूमेगा फिरेगा, लेकिन धीरे धीरे वो आपको छोड़ता जाएगा। जिस प्रकार पूर्वाहन से पहले हमारी छाया शुरू में तो बड़ी होती है और धीरे धीरे छोटी होती जाती है, उसी प्रकार जो दुष्ट व्यक्ति है उसकी मित्रता शुरू में तो बड़ी होगी, अर्थात शुरू में तो आपके साथ धीरे धीरे रहेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह आपको छोड़ता चला जाएगा। ये तो दुष्ट व्यक्ति की मित्रता के बारे में बताया गया। अब जो सज्जन व्यक्ति होता है उसकी मित्रता कैसी होती है, दोपहर के बाद का जो समय होता है, दोपहर के बाद की जो छाया होती है उसके समान होती है, यानी कि शुरू में तो आपसे वो धीरे धीरे संबंध बनाएगा और अंत तक वो आपके साथ में रहेगा। तो कहना गया है कि दुष्ट और सज्जन व्यक्ति की मित्रता दो प्रकार की बताई गई है, दोपहर से पहले वाले समय के समान और दोपहर के बाद वाले समय के समान। दोपहर से पहले का जो समय है वो दुष्ट व्यक्ति की मित्रता के बारे में बताता है और दोपहर के बाद का जो समय है, दोपहर के बाद की जो छाया है वह सज्जन व्यक्ति के बारे में बताती है कि सज्जन व्यक्ति की छाया तो अर्थात मित्रता तो शुरू में धीरे धीरे संबंध बनते हैं फिर अंत तक वो निभाते जाते हैं, और जो दुष्ट व्यक्ति होगा शुरू में आपसे मित्रता बहुत जल्दी कर लेगा और बाद में वो आपको छोड़ के चला जाएगा। तो इस प्रकार से नीति सत्तम में मित्रता के बारे में यह बताया गया है। अगला जो श्लोक है, यत्रापि उत्रापि गता भवेयु हंसा महि मंडल मंडनाय आनिस्तु केशानि सरोवराणा
येषां मराले सह विप्रयोग भामिनी विलास अर्थात भामिनी विलास जो ग्रंथ है उससे यह श्लोक लिया गया है। उसमें बताया गया है कि हंस के बारे में अर्थात कोई प्रिय व्यक्ति होता है जब उसका बिच्छो हो जाता है तो कैसा होता है उसके बारे में बताया गया है। यत्रापि उत्रापि गता भवेयु हंसा अर्थात हंस जहां भी कहीं भी चले जाते हैं वही मंडल मंडनाय हानि यानी कि हंस जो होते हैं वो अपने हंस जो होते हैं वो अपनी जो गुणों से ही अपनी महिमा के बारे में बताते हैं कि हंस जहां पर रहते हैं वहां पर उनकी शोभा बढ़ जाती है। अगर हंस मानसरों में रहता है तो वहां जाकर अपनी शोभा बढ़ाते हैं और वहां से कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं तो वो वहां जाकर अपनी शोभा बढ़ाते हैं। हानि तो तेषां हि सरोवराणां येषां मराले सह विप्रयोगे हानि तो उन सरोवरों की होगी जिनके जिनका हंसों के साथ में विच्छो हो गया था तो वो उनसे दूर चले गए। भामिनी विलास से यह लिया गया है। अगला जो श्लोक है हमारा गुणा गुणेशु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वादितयो प्रवन्ति नद्य समुद्र मासाद्य भवन्त पेया ये हितोपदेश लिया गया है। गुणा गुणेशु गुणा भवन्ति अर्थात गुणों के द्वारा ही व्यक्तियों में गुण पाए जाते हैं अर्थात गुणों के द्वारा ही उसमें गुण विद्यमान होते हैं यानी कि ऐसा व्यक्ति इसमें बहुत सारे गुण होते हैं वो उस गुणों के द्वारा ही माना जाता है। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा ते अर्थात वे सभी दोष अगर किसी निर्गुण व्यक्ति अर्थात किसी ऐसे व्यक्ति में चले जाते हैं तो वह दोष बन जाते हैं। आस्वादितयो प्रवन्ति नद्य समुद्र मासाद्य भवन्ति पेया जिस प्रकार नदियां बहती हुई अर्थात नदियों का जो जल है वह बहुत ही स्वादिष्ट होता है और वही जल अगर समुद्र के साथ में जाकर मिल जाता है तो वह खारा हो जाता है और पीने योग्य नहीं होता है। तो उसी प्रकार गुण जो होते हैं वो गुणवान व्यक्तियों में जब तक रहते हैं तब तक तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है लेकिन वही गुण अगर निर्गुण व्यक्ति के अंदर चले जाते हैं किसी ऐसे व्यक्ति की संगति में वह व्यक्ति चला जाता है जिसमें बुरे गुण है तो उसके गुण भी क्या हो जाएंगे उसके गुण भी दोष बन जाते हैं। किस प्रकार जिस प्रकार नदियों का जल स्वादिष्ट होते हुए भी समुद्र के साथ में संयोग होने पर वह अपेय हो जाता है अर्थात नदियों का जल समुद्र के साथ में मिलकर क्या हो जाता है खारा हो जाता है और पीने योग्य नहीं रहता है। तो इस प्रकार से गुणवान व्यक्ति के बारे में बताया गया है गुणों के बारे में बताया गया है कि अगर व्यक्ति में अच्छे गुण होंगे तब तक तो वह अच्छा माना जाएगा लेकिन वही गुण अगर बुरे व्यक्ति के साथ में मिलकर वो गुण दोष में बदल जाते हैं तो वह व्यक्ति बुरा माना जाता है। तो इस प्रकार से ये जो आपका जो पाठ है सूक्ति मुक्ति कम ये समाप्त होता है। ये श्लोक हितोपदेश से लिया गया था एक बार वापिस इसको रिपीट कर देते हैं उसके बाद में आप इसको पढ़े ध्यान से दें और इससे संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी या कोई ऐसी पूछना हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा श्लोक है धर्म का हमें सब कुछ सुनना चाहिए सुनकर उसको अपने हृदय में धारण करना चाहिए स्वयं के प्रति जो प्रतिकूल आचरण होता है वैसा आचरण हमें दूसरों के साथ में नहीं करना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं बचने का दृढ़ता प्रिय वाक्य प्रदान करने से ही सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं और उन प्रिय वाक्य प्रिय वाणी से बोलने से अर्थात बोलने में हमें कभी भी गरीबी नहीं दिखानी चाहिए अर्थात तो अगर हम किसी से प्रिय वाणी बात करते हैं तो उसको बोलने में हमें कभी भी गरीबी नहीं दिखानी चाहिए। पिबन्ती नद्य स्वयमेव नाम्भ स्वयं ने खादन्ति फलानि वृक्षा न दन्ति सस्य तनु वारि वाहा परोपकारः सदा विबुधयः
नदियां स्वयं अपना जल नहीं पीती है, फल वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं बल्कि दूसरों के लिए दे देते हैं, इसी प्रकार बादल फसलों को नहीं खाते हैं बल्कि बादल अपना पानी बरसाकर उन फसलों को आगे बढ़ाते हैं, उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो सज्जन व्यक्ति अपनी जो सुख संपत्ति है संपदा है वो दूसरों के लिए दान में दे देते हैं। गुणे स्वयं कर्तव्य प्रयत्न पुरुषे सदा गुण युक्तो दरिद्रो अपि नैश्वर गुणे समा। पुरुषों के द्वारा हमेशा गुणों को प्राप्त करने का ही प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात जो पुरुष हैं उनके द्वारा हमें ऐसे गुणों को प्राप्त करना चाहिए ताकि वह दूसरों के सामने हमें अच्छा बता सके। गुण युक्तो दरिद्रो अपि नैश्वर गुणे समा। गुणों से युक्त जो गरीब है अर्थात जो गुणों से गरीब है गुणों से दरिद्र है वह ईश्वर के समान माना जाता है। वृक्ष का टीका से लिया गया है, आरंभ गुरुवी सैनी क्रमेण लग्नि पुरा प्रतिमत्ति च पश्चात दिनस्य पूर्वात पराट भिन्ना छाया मित्रि कल सज्जनाना नीति सत्तम। सज्जन और दुर्जन व्यक्ति की मित्रता के बारे में बताया गया है कि सज्जन व्यक्ति की मित्रता दिन के बाद वाले समय के समान होती है, अर्थात शुरू में छोटी और बाद में वो लंबी होती है, और दुष्ट व्यक्ति की जो मित्रता है वह शुरू में तो बड़ी दिखाई देगी और धीरे धीरे वो कम होती जाती है। तो इसमें दिन के द्वारा अर्थात छाया के द्वारा दुष्ट और सज्जन व्यक्ति की मित्रता के बारे में बताया गया है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महीन मंडल मंडनाय आनिष्टु तेषां सरोवराणां येषां मरालये सह विप्रयोग। मरालये का अर्थ होता है हंस, महीन मंडल मंडनाय अपनी महिमा के द्वारा हंस जहां कहीं भी चले जाते हैं तो वह शोभा बढ़ाते हैं। हानि तो उन सरोवरों की होती है जिनका हंसों के साथ में विच्छेद हो गया है, अर्थात हंसों के साथ में वो अलग हो गए हैं, तो हानि उन सरोवरों की होगी। जब तक सरोवर में हंस रहेगा तब तक सरोवर की महिमा सुशोभित रहेगी, और जैसे ही हंस वहां से चले जाएंगे तो उसकी शोभा कम हो जाएगी। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति जहां पर भी होंगे वहां उनकी शोभा बढ़ाते रहेंगे, जैसे ही वो वहां से चले जाते हैं तो उस जगह पे वो शोभा नहीं रहती है। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वादोतया प्रवन्ति नद्य समुद्र मासादे भवन्ति पेया। गुणवान व्यक्तियों का गुणों के द्वारा ही उनकी प्रशंसा होती है, और वही गुण अगर किसी दुष्ट व्यक्ति में चले जाते हैं तो वह दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियों का जल स्वादिष्ट होते हुए भी समुद्र के साथ में मिलकर के पीने योग्य नहीं रहता है, इस प्रकार से ये जो पाठ है हमारा मुक्ति मुक्ति का ये समाप्त होता है। इससे संबंधित किसी प्रकार की आपको कोई समस्या या किसी भी श्लोक का कोई हिंदी पूछना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।